तो वेलकम टू माय गाइस। और कैसे हो सब लोग? आयो सब बढ़िया हो गया। तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले किसी चीज़ के दर्शन करा देता हूँ, जो बेसिकली हमारे घर पे हर साल आते हैं और कुछ दिन रुक के फिर चले जाते हैं, और हम चाहते भी हर साल हमारे घर आते रहे वो। गाइस पहले आप दर्शन कर लीजिए। ये बेसिकली हम लोग हर साल रखते हैं और इस साल हमारे घर में लास्ट रहेगा। लास्ट का मतलब ये बेसिकली जो हमारा पुराना घर है ये हमने कर दिया सेल, तो अभी हम जाएंगे एक न्यू घर में। और बेसिकली मोटा मोटा हमारे पास 10 से 15 दिन है हमारे पास इस घर को शिफ्ट करने के लिए। तो 10 से 15 दिन में सबसे शायद हम शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद अब नया घर लेंगे। और बेसिकली क्यों? क्योंकि इस घर में हमारे पास बहुत सामान था और स्पेस, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा सामान हो जाना और स्पेस कम रहना, मतलब जगह कम थी। दो ही कमरे थे हमारे पास। देखो जैसे देखो बेड है ये हमारा, और ये देखो अंदर वाला बाहर वाला कमरा भी है। और ये देखो मैं अभी, मतलब हमारे घर में अभी हम दो भाई हैं अभी, वो बेसिकली हम लोग एक कमरे में रहते हैं। वो कमरा हमारा खुद का सेपरेट है, कोई इशू नहीं है, पर फिर भी एक होता है पर्सनल अपना कमरा, वो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है। तो एक बाहर कमरा है, एक अंदर कमरा है। और ये देख सकते हो, देखो अभी देखो बेड पे कभी वो सो जाता है, कभी मैं सो जाता हूँ, तो मतलब हो जाता है, ऐसी बात नहीं। बेड काफ़ी बड़ा है पर फिर भी देखो मैं अभी ज़मीन पड़ा हुआ था, ये देखो। तो मैं एक तरीके से अभी ज़मीन पे ही पड़ा हुआ था। अभी भी जैसे मेरे मन में आया कि मैं ब्लॉग बना लूँ, एक बता दूँ यार अपनी पब्लिक को कि हम लोगों ने अभी घर शिफ्ट कर दिया। 10 से 15 दिन के साथ हम लोग शिफ्ट भी हो जाए उस वाले घर में, तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे। और चलो मैं आपको एक बार रूम वगैरह दिखा देता हूँ, मतलब एक तरीके से देखो एक मेरा LCD वगैरह हम लोग से ही लगा रहा हुआ था। और ये देखो ये पूरा कमरा है, और यहाँ मंदिर है हमारा, ये पंखा हमारा फैन है। और मेरा आपको पता ही होगा यहाँ YouTube चैनल, मतलब YouTube का प्ले बटन था वो टंग रहा था, तो वो सब कुछ है, मतलब स्पेस वगैरह कम था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब रूम वगैरह मेरा घर कैसा था पहले। देखो यहाँ से स्टार्ट होता था, मतलब एक कमरा हो गया अंदर का, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ वाईफाई लग रहा है हमारा। और ये देखो ये मेरा बाथरूम, जहाँ होता मैं 1 से 2 घंटे बिताता था पहले, एक मिनिमम आधा सा 1.5 घंटा मैं बिताता था पहले। और बहुत याद आई, मतलब आधा आधा घंटा बैठना यार काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब फ़ोन होता है सही से बैठ जाता है यार, कोई बैठता है यार, मैं अकेला नहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ, ये याद भी चली जाएगी हमारी। और ये देखो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद, बाथरूम खत्म होने के बाद, ये मेरा गेट था जीने का। और ये देखो ये शू रैक है, ये शू रैक जूते, मतलब फुल्ली जूते हम लोग रखते थे यहाँ पे, अपने वो काफ़ी जूते रखते थे। और ये देखो मेरा कमरा दूसरा, सेकेंड कमरा ये है, इसमें यहाँ गेट आ जाता है, ये पंखा वगैरह आ जाता है। और यहाँ मतलब पूरा सेट करके गया था, हमें बहुत याद आएगी सब की। ये देखो यहाँ दूसरा LCD है, मतलब घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी हमें, पर ये हम लोग थोड़ा छोटा होने के कारण हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये देखो आपको बालकनी दिखाऊंगा तो प्लीज़, ये पंखा वगैरह होने के बाद ये देख सकते हो हम लोग गमले वगैरह, मैं देखो दिखा देता हूँ, इनको बैक कैमरा करता हूँ। तो ये देख सकते हो भाई, ये अभी मतलब ये हमारे गमले वगैरह सारे, और मतलब हमारे घर के आगे देखो कितनी हरियाली है, देख सकते हो सारी। और गली भी हमारी काफ़ी चौड़ी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी बाइक गाड़ी वगैरह जो खड़ी करना वो ट्रक तक खड़ा कर सकते हो, वही कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी हमें स्पेस के कारण हमें खाली करना पड़ रहा है। मैंने आपको घर दिखा दिया अभी, और सेकेंड घर को हमें चेंज करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अभी घर में शादी आ रही है छोटी वाली बहन की, उसकी शादी कम्प्लीट होने के बाद फिर हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, मेरा भाई है बड़ा, तो उसकी भी मतलब 6-7 महीने 1 साल के अंदर शादी हो जाएगी, उसके लिए भी अलग कमरा चाहिए होगा। और फिर मैं भी, फिर मुझे भी अलग कमरा चाहिए होगा, तो इसलिए थोड़ा मतलब घर चेंज कर रहे हैं, इसलिए कि घर चेंज हो जाएगा फिर दोनों, 2 या 3 कमरे हैं घर के अंदर, तो अलग अलग कमरा रहेगा सबका। और काफ़ी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएगी, फिर अलग कमरा रहेगा, फिर क्या पता डेली ब्लॉग बनाऊँ मैं अपने कमरे में, हो गया फिर जैसे हो सकता है वैसे ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, और बढ़िया ब्लॉग डालूँगा, आप बेफिक्र रहो, और अच्छे ब्लॉग डालूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे जिम जाना है, मैं जिम कर रहा हूँ। ये देख टावल दूसरी, मैं नई टावल लेके आया, ये देखो मेरी एक टावल चोरी हो गई है, पता नहीं चोर स्टार्टिंग में ले गया था, फिर उसके बाद मैंने 2 टावल मंगवाई, मतलब एक टावल मेरी पता नहीं कहाँ गिर गई, ये तीसरी टावल है मेरी। तो वो जो चोर है वो अभी इस वीडियो को देख रहा होगा और देख के हंस रहा होगा कि हाँ भाई कि वो टावल है उसी के पास है, चलो कोई बात नहीं, गई तो अपने बंदे के पास है। तो चलो अभी चलता हूँ मैं जिम, और करते हैं इस वीडियो को एंड। ये शायद हो सके तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप डाल दूँ जिम जाते हुए मैं, और जिम आपको दिखाऊँ मैं एक बार। गाइस देख सकते हो ये है मेरी जिम, और जस्ट अभी मैंने MC उठाई है, वो देख सकते हो, और ये MC मैंने अभी अभी उठाई है, अभी कोई भी नहीं है जिम, मतलब
ज़्यादातर अगर मैं इतने बजे आता हूँ तो मैं ही ओपन करता हूँ। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ वगैरह जिम करता हूँ, तो नॉर्मली मतलब फिट रहने के लिए तो वही करना पड़ता है। और पहले मैं आलू सा हो गया था बहुत ज़्यादा, मेरी पहली वाली वीडियो में देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। और आज है मेरी थाई की एक्सरसाइज, मतलब अब एक मशीन ये दूसरी वाली और तीसरा नॉर्मली वो एक्सरसाइज होती है। तो बस अभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं अभी सीधा घर, करता हूँ अभी एक्सरसाइज और सीधे चलते हैं यहाँ से घर। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो छोटी छोटी है तो लॉन्ग वीडियो भी आएगी अब सीधा। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय गणपति पापा। और बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और लाइक एम है 100 का, बस 100 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे, ज़्यादा नहीं चाहिए बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।